खरगोन आदिवासी युवक की जेल में हुई मौत मामले में लगातार राजनीति गर्मा रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कांग्रेस के विधायक दल की जांच कमेटी मृतक के गांव पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए जहां पूर्व मंत्री विजयालक्ष्मी साधो ने जहां सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की और मामले में जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग करी, वही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की। वहीं उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर अनर्गल और झूठे बयान देने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि लगातार आदिवासी और एससी के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है। जो 5 बच्चे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां, उसका पालनहार ही खत्म हो गया। तो हमारी तो शासन से मांग है कि जिस तरह से आपने मंदसौर नीमच में 1-1 करोड़ दिया इस परिवार को, क्योंकि पुलिस कस्टडी में शांत हुआ है, इस परिवार को भी 1 करोड़ आपको देना चाहिए। और मेरी हम लोग की डिमांड है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी आए, और साथ ही इसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देना चाहिए, और जिन जिन भी लोगों ने का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और गांव और परिवार की ये मंशा है कि उनके ऊपर हत्या का केस चलना चाहिए। इन सब की हम सभी विधायकों की और ये मांग है, तभी जाके इस तरह की जातियां, इस तरह के जुल्म इस प्रदेश से हटेंगे। और नहीं तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, जो सौदागरों की सरकार है, ये पूरी व्यवस्थाएं जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की, ये ख़त्म हो गई है। और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, जिस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, जिस तरह के झूठे बयान दे रहे हैं भोपाल में बैठे बैठे, वास्तविकता तो धरातल के ऊपर उठ के देखें। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार सीरीज पे सीरीज हो रही है, सब आदिवासी और एससी के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।